हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम मेरे पास है और वो प्रोग्राम क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है, इसमें स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड यूज किया। ये स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर डेटा टाइप के लिए यूज होता है और यहाँ पर स्टूडेंट नाम का ये बना लिया हमने और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिखा गया। एक बार इसको चलाते हैं देखते क्या होता है। ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं मैंने इसको बनाया है स्टोर कराने के लिए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, तो एक बार इसको बिल्ड पे चल के कंपाइल करवाते हैं। तो यहां से ये कंपाइल करवाएंगे, कंपाइल करवाते वक्त ही मैं इसको सेव करूंगा, अभी तो इसको सेव भी नहीं किया मैंने, तो यहां पर str के नाम से इसको सेव करता हूँ, .c लगा देते हैं, ये हमने कर दिया। अब यहां से इसको रन करवाते हैं, तो रन करवाएंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है आप पढ़ सकते हैं, इंटर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स रोल नंबर 1 फर्स्ट नेम। तो रोल नंबर 1 जिनका है उनका नाम है महेश, महेश ठीक है, एंटर किया। अब यहां से कह रहा है महेश के मार्क्स एंटर कीजिए, तो आउट ऑफ 100 यहां पे 60 मार्क्स मिले, ठीक है। अब कह रहा है रोल नंबर 2 किनका है, तो रोल नंबर 2 है सुरेश का, तो यहां सुरेश लिखा हमने, एंटर किया, सुरेश का मार्क्स एंटर कीजिए, तो ये सुरेश के मार्क्स को हमने एंटर किया। रोल नंबर 3 किनका है, गौरव का है, यहां पे गौरव का नाम एंटर किया, फिर यहां पे मार्क्स एंटर किया, फिर एंटर करेंगे तो ये देखिए रोल नंबर 4 भी आ रहा है। एक बार फिर से आप इस कोड को देख लीजिए, ये कहां तक आपको लेके जाना है, यहां पे देखिए ये 5 तक चला है और यहां पर फर्स्ट नेम 50, यहां पे साइज 50 दिया गया, मतलब चाहे तो जितना बढ़ा सकते हैं लेकिन यहां पे साइज 5 रखा गया है, तो ये तो चलिए एक बार और यहां पे नेम ऐड करवाते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं युवराज, एक और नाम लिख दिया युवराज और एंटर किया, यहां पे इनका मार्क्स ऐड करेंगे, फिर यहां पर एक और नाम हिना लिखता हूं और यहां पर इनका मार्क्स आएगा, तो ये मार्क्स भी हमने दे दिए। तो ये देख सकते हैं कि रोल नंबर 1 जिनका नाम महेश है उनका 60 मार्क्स है और ये सुरेश जो है इनका पूरा डिटेल इस तरीके से करके आया हुआ है, ठीक है।